हेलो, मैं पीयूष थोरा। और आज के वीडियो में हम जो एम्स की ऐड निकली थी 2020 में एम्स दिल्ली की, तो उसके रिगार्डिंग आपके साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूँ। अभी कल मैंने जो एक अपडेट वीडियो आपको दिया था, जिसमें मैंने कहा था कि जो एग्ज़ाम की डेट है वो अनाउंस हुई है, और आपकी जो एग्ज़ाम होने वाली है सीबीटी, वो होने वाली है 23 फरवरी 2022 में। तो वो वीडियो बनाने के बाद आप लोगों ने मुझे पूछा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आने वाले ड्रग स्टोर एम फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में। तो अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस की, तो जितना मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है 5 ईयर का, तो उससे मैं अभी एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ। अभी 2020 में एक एग्ज़ाम हुई थी, वही सेम एग्ज़ाम थी, सेम पोस्ट थी, फार्मासिस्ट ड्रग स्टोर कीपर इस नाम से एम्स में। तो अगर हम उस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कुछ ऐसे थे कि वो काफ़ी टाइम के बाद जो है रिपीट हुए थे। 2 क्वेश्चन पेपर अगर आप चेक करें तो आपको इंटरनेट पर एक क्वेश्चन मिल सकता है एम्स स्टोर कीपर का। तो वो क्वेश्चन पेपर अगर हम कंपेयर करें इस एग्ज़ाम से, तो काफ़ी जो क्वेश्चन रहे वो सिमिलर थे। 100 अगर क्वेश्चन रहे थे तो आई थिंक 30-40 ऐसे क्वेश्चन थे कि जो सेम एज इट रिपीट जो है वो हुए थे, सेम टू सेम और ऑप्शन के सहित। तो वो क्वेश्चन पेपर मुझे मिला है, और मैंने वो बुक में भी डाला है, जो अभी मेरी नई बुक लॉन्च करने वाला हूँ मैं, तो उसमें डाला है मैंने। तो अभी 2-3 दिन के बाद मैं उस पर डिटेल में आपके साथ एक एनालिसिस का वीडियो भी शेयर करूँगा, किस तरह के क्वेश्चन आए थे, किस तरह के क्वेश्चन रिपीट हुए थे। तो अगर आपके पास वो क्वेश्चन पेपर है तो वो एक बार आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको टेलीग्राम पर वो पेपर शेयर करूँगा, वहाँ से आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है रिपीट हो सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपका स्टडी हुआ है थ्योरी का, आपने अगर डिटेल में स्टडी किया है, तो आप एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चेक कीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो काफ़ी टाइम जो है वो रिपीट होते हैं। अब तक का जो जितना भी मेरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस का एक्सपीरियंस है, तो उससे मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि अगर 40 क्वेश्चन डोमेन के रहते फार्मेसी के, तो उसमें 10-20 क्वेश्चन ऐसे रहते कि वो सेम एज इट इज़ रिपीट होने के चांसेस जो है वो होते रहे। तो एक बार आपकी जो थ्योरी की स्टडी है वो कंप्लीट होने के बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, सेंट्रल वाइज हो या स्टेट वाइज हो, कोई भी फार्मेसिस्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हो, तो एक बार उसका आप जो है वो डिटेल में एनालिसिस कीजिए। जो सभी स्टेट वाइज व सेंट्रल वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो मैंने एक टा करके पब्लिश की है, आपको स्क्रीन पर उसका फोटो दिखता होगा। तो ये आपको इजीली अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जो है आप ये बुक परचेस कर सकते हैं। तो बाकी की जो डिटेल होगी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हो या सिलेबस के अकॉर्डिंग हो या किस तरह का पैटर्न होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको टाइम टू टाइम टेलीग्राम पे शेयर करते रहता हूँ, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रखी है, वहाँ से आप जो है आने वाली अपडेट के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं, ख्याल रखिए, जय हिंद, वंदे मातरम।